अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। देखो, सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, राइट? पर जिस तरह हर बीमारी का इलाज उसके कॉज यानी उसके कारण को जानने के बाद मिलता है, उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आपको पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा। इसका कारण जानोगे तभी इसका हल ढूंढ पाओगे। पढ़ाई आप नहीं कर पाते हो, इसका मेन कारण जानते हो क्या है? 99% स्टूडेंट्स में इसकी मेन वजह यही है कि आप पढ़ाई को एक बोझ की तरह लेते हो। पढ़ाई एक्चुअली में फन के लिए होता है। आप कह सकते हो कि ये सिर्फ बोलने की बात है, पढ़ाई घंटा फन होता है। हाँ दोस्त, ये बोलने की ही बात है, क्योंकि आज का हमारा एडुकेशन सिस्टम पूरी तरह से अनइफेक्टिव हो चुका है और वो पढ़ाई को बोझ की तरह ही दर्शाता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते हैं। पर जानते हो, इस सड़ी हुई सिस्टम में भी आज भी ऐसे कई स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जो टॉप करते हैं। जानते हो कैसे? अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना के। आप एक बार अपने फेवरेट चीज को लो जिस पर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। जैसे क्या आपको WWE पसंद है? क्या आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है? क्या आपको क्रिकेट पसंद है? तो आपको जितना मजा इन सब चीजों में आता है, उतना ही मजा आपको पढ़ाई में आना चाहिए। पढ़ाई को एक हॉबी बनाओ। आप कहोगे कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब पढ़ाई में भला मजा कैसे आ सकता है? यहाँ पर बात आती है आपकी ब्रेन वायरिंग की। सबका ब्रेन अलग अलग तरीके से वायर्ड होता है, मतलब आप किस चीज को पसंद करते हो और किस चीज को पसंद नहीं करते हो, ये आपके दिमाग के न्यूरॉन्स किस तरह इंटरैक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। एक ही चीज को कोई एक इंसान देखकर कहेगा कि क्या फालतू चीज है यार, और वही दूसरे इंसान को इतना पसंद आएगा कि वो उसे कभी भूल ही नहीं पाएगा। आपके क्लास या कॉलेज का वो लड़का जो बहुत पढ़ता है, उसको देखकर आप सोचते होंगे कि ये साला दिन भर कैसे पढ़ लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सब है ब्रेन वायरिंग का कमाल। तो आपको अपने ब्रेन वायरिंग को ही चेंज करना है, ताकि आपका ब्रेन चेंज हो सके और आपको पढ़ाई में भी मजा आने लगे। इसके लिए आप 21 डेज चैलेंज ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट मी, आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक आप कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजों को नहीं अपनाओगे, तब तक आप अपने दिमाग को चेंज नहीं कर पाओगे। 21 डे रूल पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, पर पढ़ाई के लिए आज स्पेशली बता रहा हूँ। तो फैक्ट ये है कि अगर आप किसी काम को 21 दिन तक करते हो, तो आपका दिमाग उसी तरह से रीवायर हो जाता है। मतलब आप किसी भी तरह से बिना मन के भी अगर 21 दिन तक पढ़ोगे ना, तो 22वें दिन आपको खुद पढ़ने का मन करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 21 दिन में आपका ब्रेन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पर दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग 21 दिन का ये चैलेंज ले ही नहीं पाते, 8वें या 9वें दिन में ही फेल हो जाते हैं। पर मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप ये जरूर कर पाओगे। आप ट्राई करो, आपके लिए ये जरूर काम करेगा। पढ़ाई में मजा आने लगे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितने लोग इस 21 दिन का मेथड यूज करके अपने जिंदगी में सफलता प्राप्त किए हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आप जो चाहें वो आदत 21 दिन में प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है, तब आप 21 दिन तक उस काम को मत करो और आपका दिमाग वैसे ही रीवायर हो जाएगा। देखो, मैं ये तो कहता हूँ कि लाइफ में कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, पर जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सिर्फ पढ़ाई के बदले वो भला क्या करेंगे? ऐसे कई लोग हैं जिनका कोई पैशन नहीं है, तो उनके लिए पढ़ाई के बदले और कुछ भी नहीं है जो उन्हें सफल बना दे। इसलिए आपको पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ दे सकती है। सफल बनना है, सबसे आगे निकलना है, तो आपको पढ़ाई करना ही होगा। 21 दिन होने के बाद आप ये नोटिस करोगे कि आप सिर्फ सबसे आगे निकलने के लिए ही नहीं पढ़ रहे हो, तब आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे। क्योंकि जब पढ़ाई में मजा आता है ना, तो आपका दिमाग एकदम फोकस्ड होता है और आप कुछ नहीं सोचते हो। तो एक WWE का मैच या गेम खेलते समय का मजा, या IPL देखते समय जितना मजा आता है, जितने फोकस से आप उसके अंदर घुस जाते हो, वही चीज आपके साथ तब होगी जब आप पढ़ाई करोगे। दूसरा टिप है टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस।
आपका ब्रेन कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आसपास डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो आपका दिमाग भटक ही जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली जब पढ़ने बैठते हो तो रूम में अपने आप को बंद करके पढ़ो, ताकि बाहर से आवाज नहीं आए, और मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो, और वो भी साइलेंट करके। हाँ जानता हूँ सुनने में टिपिकल चीजें लग रही हैं, पर दोस्त अगर इफिशियंसी के साथ पढ़ना चाहते हो तो ये आपको करना ही होगा। आपका ब्रेन हमेशा एंटरटेनमेंट ढूंढता है, हर एक वक्त पर जहाँ बैठे हो और आपके आसपास जितनी चीजें हैं उन सब चीजों में से आपका ब्रेन सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट देने वाली चीजों को ही चुनता है। अगर मोबाइल आपके सामने है तो इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली चीज और क्या हो सकती है। और मान लो मोबाइल को रूम के बाहर रख दिया तो अब क्या बचा, फिर दिमाग तिलमिलाएगा, फिर शायद वो टीवी के तरफ आपको मोड़ेगा, और अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो फिर दिमाग फिर से तिलमिलाएगा और देखेगा क्या है क्या है, किधर है किधर है, क्या है क्या है जो मुझे मजा पहुंचा सके। जब आखिर में उसे कुछ नहीं मिलेगा तो आपके सामने वाली चीज वही आपके दिमाग को अच्छा लगने लगता है। जी हाँ, मतलब आपको किताब पढ़ने में भी मजा आने लगेगा, क्योंकि इस वक्त किताब के बदले और कोई इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं आपके पास। और वही अगर सामने मोबाइल रखोगे तो चाहे कुछ भी कर लो दिमाग उधर ही जाएगा, और इसलिए इन डिस्ट्रैक्शन से बचो। तीसरा टिप है अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन। जो आप कहते हो ना कि कल पढ़ूंगा, उसे ही प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोकेस्टिनेशन एक बहुत ही खराब चीज है, ये आप भी जानते हो कि कल पढ़ूंगा तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो बच के जाना है। दोस्त अगर आप नहीं पढ़ते हो ना तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो। ये जो मैंने लाइंस बोला ये कुछ स्टूडेंट्स को सुन के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है और ये आप देख भी नहीं पा रहे हो। आपका दिमाग आपके साथ एक गेम खेल रहा है और आप इसके चंगुल में फंसते जा रहे हो। जब आप बोलते हो ना कि कल से पढ़ूंगा तो आप सब जानते हो कि दिमाग के लिए वो कल कभी भी नहीं आता। आप कहोगे कल पढ़ूंगा तो जब कल आएगा तो फिर आपका दिमाग फिर से कहेगा कि कल पढ़ूंगा, और परसों आएगा तो फिर से वही, और ये चलता रहेगा, और आप यहाँ पढ़ाई के बदले चिल करते रहोगे, और फिर 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे काश मैं पढ़ लिया होता तो आज यहाँ नहीं होता। इस दुनिया में जो सफल है उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो सफल होते हैं, पर उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जानते हो क्या है, उनमें से सबसे जरूरी है पावर टू टेक एक्शन। मतलब जो तय करते हो उसे आज से करो, कल से नहीं। और इसी से आता है चौथा टिप, गेट आउट ऑफ योर कॉम्फर्ट जोन। एक चीज होती है जिसे कॉम्फर्ट जोन कहते हैं, मतलब आप नहीं पढ़ते हो और मजे करते हो, ये आप अपने कॉम्फर्ट जोन में रह रहे हो। पर वही अगर मैं आपको बोलूं कि आप 9 घंटे पढ़ो तो आप घबरा जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस काम को दर्द से जोड़ता है। मतलब यही है कि आप ये सोचते हो कि पढ़ाई करोगे तो आपको दर्द होगा। आपको पढ़ाई को दर्द से नहीं रिवॉर्ड से जोड़ना चाहिए। उसके लिए ये सोचो कि पढ़ाई करोगे तो आपकी लाइफ संवरेगी, न कि दर्द होगा। क्योंकि अगर आप गहराई से देखो तो इस कॉम्फर्ट जोन में कोई कॉम्फर्ट नहीं है, न आप अपनी जिंदगी का फायदा उठा रहे हो, न आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और न ही कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे ये दुनिया कहे कि वाह क्या गजब बंदा है यार। इस बात को डीप तरीके से समझो। पांचवा टिप, रिलैक्स बिटवीन स्टडी सेशंस। आप कोई मशीन नहीं हो, इसलिए आपको रिलैक्स होने की जरूरत होती है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर या अपने छत पर टहल सकते हो, पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये बैठा हुआ है कि रिलैक्स मतलब यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखो। अरे नहीं भाई, वो रिलैक्स नहीं होता। अगर आप कॉमेडी वीडियोस देखना शुरू करोगे ना ये बोल के कि 5 मिनट देखूंगा, कब 5 साल निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 साल कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर तब भी फैक्ट यही है,
आपको रिलैक्स करना है तो नेचुरल तरीके से करो। मोबाइल को अपने कमरे में ही छोड़ के थोड़ा सा वॉक करो और आपको शायद ये सुनने में अमेजिंग लगे, पर वॉकिंग आपके दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसके चलते जब आप वॉक करने के बाद पढ़ने के लिए फिर से जाओगे तो आपका दिमाग और तेजी से काम करेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कितना रेस्ट करना सही होगा, मतलब मान लो अगर 1 घंटे पढ़ा तो कितने मिनट तक रिलैक्स करूं? तो इसका आंसर है 1:4, यानी अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 15 मिनट रिलैक्स कर सकते हो। अगर आप ज्यादा देर तक पढ़ने की आदत अभी शुरू कर रहे हो तब, पर धीरे धीरे आप इस रिलैक्स टाइम को कम कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे जब आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा तब 3 घंटे कैसे निकल गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 6th टिप, राइट डाउन योर स्टडी गोल्स ऑन अ पेपर। ये आपको सुनने में सिली लगे, पर दुनिया के लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इस टिप का इस्तेमाल करते हैं। सुबह जब उठते हो तब एक पेपर को लो और उस पर लिखो कि आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, और उसे कहीं पर चिपका दो। ये पेपर आपके सामने रहेगा ना, तो ये आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट करेगा, मतलब पढ़ते समय बीच बीच में नहीं पढ़ने का मन करेगा ना, तब आपका आंख उसी पेपर के तरफ जाएगा कि यार आज तो ये पढ़ के ही रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे गोल लिस्ट में रखा है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, जब आप पढ़ के उस टॉपिक को समझ लो तब पेपर पर एक टिक मार्क कर दो। ये एक्चुअली आपके दिमाग के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये करने से आपके दिमाग को एक रिवॉर्ड मिलता है। अब आखिरी 7th टिप, राइट डाउन दी इन बिटवीन थॉट्स ऑन अ पेपर। ये आपकी सबसे काम की टिप है। पढ़ाई करते समय दिमाग इधर उधर जाता है, इसलिए आप नहीं पढ़ पाते हो। पर ये इधर उधर क्या होता है? इधर उधर का मतलब होता है कि पढ़ते समय आपके मन में एक थॉट आता है कि अरे यार मुझे ये करना था, उसको ये कहना था, अरे उसकी फोटो पे तो कमेंट करना भूल ही गया। और सबसे खराब बात यही है कि ये थॉट्स सबसे ज्यादा पढ़ाई के बीच में ही आती है। तो जब भी ऐसी थॉट्स आए तो उसे साइड वाले एक पेपर पर लिख दो। साइड में अपने साथ एक पेपर पहले से ही रखो और जैसे ही पढ़ते समय कोई भी काम याद आए तो उसे लिख दो और फिर वापस पढ़ने लगो। इससे आप वो काम करना भी नहीं भूलोगे और पढ़ाई भी कर लोगे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना दोस्त।